सब्सक्राइब कीजिए फेबनर चैनल को और बेल आइकन पे दबाइए लेटेस्ट बिजनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं फेबनर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरह से कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके $1,000 तक का इनकम कर सकते हो मात्र 3 से 4 घंटे की इन्वेस्टमेंट करके। फ्रेंड्स, आज मैं फ्रीलांसर कॉन्टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आपको किस किस टाइप के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हर तरीके के कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं जहाँ आप अपनी स्किल के मुताबिक फील्ड को चूज करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग के कॉन्टेस्ट को चूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपनी फील्ड के मुताबिक कॉन्टेस्ट को चूज करके वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हो। फॉर द एग्जांपल, यहाँ पे आप मोबाइल ऐप या फिर HTML पेज डिजाइन या फिर WordPress डेवलपर के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी फील्ड जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसके लिए मैं आपको बता दूं। सो फ्रेंड्स, किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको freelancer.in की साइट पे आना होगा। अगर आप इंडिया से लॉगिन कर रहे हैं तो .in, या फिर अदर कंट्री से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको .com। तो आपको यहाँ पे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आप यहाँ पे साइन अप करके फिर लॉगिन कर सकते हो। फिर लॉगिन करके आप यहाँ पे सबसे टॉप में आप मेन्यू देख रहे हो जो कि कुछ मेन्यू है यहाँ पे। तो आपको सिलेक्ट करना है वर्क वाले मेन्यू, और वर्क वाले मेन्यू के नीचे आप आके थर्ड नंबर वाले मेन्यू ब्राउज कॉन्टेस्ट वाले मेन्यू पे क्लिक करना होगा, जहाँ से आप कॉन्टेस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। सो इस कॉन्टेस्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाने के बाद को कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा जहां आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे जैसे कि सर्च, स्किल या जॉब टाइप या हावरली कॉन्टेस्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे ऑलरेडी कॉन्टेस्ट में हम एंट्री सबमिट करने जा रहे हैं। तो यहां पे कॉन्टेस्ट को सिलेक्टेड रहने देंगे और यहां पे अपनी स्किल को सर्च करेंगे। यानी कि अगर आप वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हो, वेबसाइट डिजाइन के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आपको वेबसाइट डिजाइन का कॉन्टेस्ट जो है सर्च करना होगा। तो जैसे ही आपने वेबसाइट डिजाइन का कॉन्टेस्ट यहाँ पे सर्च कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी कॉन्टेस्ट अभी चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने वेबसाइट डिजाइन का कॉन्टेस्ट यहाँ से सर्च किया और इसके रिगार्डिंग सारे कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पे लिस्ट हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टेस्ट की थोड़ी ब्रीफ दी गई है कि इसमें करना क्या है, और यहाँ पे देख सकते हो वेट्स की एंट्रीज। तो इसमें कितनी सारी एंट्रीज अभी तक हो चुकी हैं ये यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे 4 एंट्री जो है इस कॉन्टेस्ट में एंट्री हो चुकी है, और ये आज से स्टार्ट हुआ है और चलेगा ये 2 दिन तक। यानी कि ये 2 दिन तक कॉन्टेस्ट चलेगा और इसकी प्राइस जो है 57,158 रुपये इसकी प्राइस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है गारंटेड नहीं है, यानी कि ये गारंटेड मार्क किया गया नहीं है फ्रीलांसर के द्वारा। तो इसमें बहुत कम एंट्री आएंगे क्योंकि ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि इस क्लाइंट ने जो किया गया इसको गारंटेड नहीं किया है, यानी कि पेमेंट जो है freelancer.com में सबमिट नहीं किया, तो ये गारंटेड नहीं है। तो आप इसमें कोई सा भी एंट्री करोगे तो उसकी क्या गारंटी है वो विनर चूज करेगा या नहीं, तो आप इसमें एंट्री मत करो तो ही अच्छा है। या फिर ट्राई करने के लिए अगर आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। आप हमेशा गारंटेड वाली सील देख के ही पार्टिसिपेट करो किसी भी एंट्री में। सो हमने सर्च किया वेबसाइट्स डिजाइंस का। और भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कौन सा कॉन्टेस्ट हमारे मुताबिक सही है, उसमें पार्टिसिपेट करें। प्राइस को
ध्यान में रख के करें। प्राइस ज़्यादा हो सकता है, प्राइस कम हो सकता है, तो वर्क के हिसाब से इसकी प्राइस है 771 रुपये, 9633 रुपये, 8798 रुपये और 6422 रुपये। तो यहाँ पे हम कुछ फिल्टर कर देते हैं कि हाईएस्ट इन प्राइस वाले कॉन्टेस्ट को देखते हैं। तो आप टॉप में देख रहे हो कि यहाँ पे 86700 का एक कॉन्टेस्ट है। तो आप देख सकते हो इसमें क्या रिक्वायरमेंट क्या है, इससे पढ़ लेते हैं थोड़ा। डिजाइन ये वेबसाइट्स फॉर रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म। सो यहाँ पे एक वेबसाइट डिजाइन करनी है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे 18 एंट्रीज ऑलरेडी डल चुकी है और ये स्टार्टेड है 7 फरवरी से और ये 4 डेज 11 आवर्स इसमें अभी बाकी हैं एंट्री करने के लिए। तो ये गारंटेड है, ये फुलफिल है, पेमेंट होगा ही होगा। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है कोई सा भी एंट्री, आपको लगता है कि आप इस डिजाइंस को, आप इस कॉन्टेस्ट को फुलफिल करते हो, आपकी स्किल मैच करती है यहाँ रिकमेंडेड स्किल्स के मुताबिक, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसकी प्राइस है $1,350 जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि 77,000 रुपये आप कमा सकते हो इसमें एंट्री करके, अगर आपका एंट्री जो है विनिंग में आता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेड स्किल है। ग्राफिक डिजाइनर्स होना चाहिए थोड़ा बहुत, और HTML आनी चाहिए, JavaScript का नॉलेज होनी चाहिए, PHP आनी चाहिए, वेबसाइट डिजाइंस आनी चाहिए। इसने ये स्किल्स टैग किए हुए हैं, तो इनमें से मिलता जुलता आपके पास स्किल्स है, आपको लगता है ये आप प्रोजेक्ट जो है कर सकते हो, तो आप यहाँ इस प्रोजेक्ट को करके एंट्री डाल सकते हो। तो एंट्री में क्या डालना होगा आपको, JPEG, PNG या GIF फॉर्मेट का इंक्रीज डालना होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आपको JPEG और PNG ही डालनी होगी, क्योंकि हम पूरा सोर्स फाइल क्लाइंट्स को नहीं दे सकते स्टार्टिंग में जब तक वो हमारा JPEG PNG वो क्या कहते हैं JPEG PNG उसे अच्छा ना लगे तब तक हम उसे सोर्स फाइल नहीं देंगे। सो यहाँ पे बहुत सारी एंट्री हुई हैं और यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, सारे डिटेल्स पढ़ सकते हो, क्लाइंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी पेजेस डिजाइंस करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, वी इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट वाया पार्टनरशिप, वी टारगेट टू इन्वेस्टर्स लुकिंग टू मेक मनी एंड इन्वेस्ट देयर कैपिटल। तो इसने वेबसाइट के बारे में थोड़ा लिख दिया कि ये रियल इस्टेट की वेबसाइट्स है और यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन मेकिंग मनी के बारे में कुछ है, ये साइट ऐसा कुछ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या, लेट्स डू ए स्क्रॉल डाउन फिल, हियर इज हाउ आई वॉन्ट टू साइट ऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे ऐसे कुछ मेन्यू होंगे और ये पेजेस डिजाइंस करने होंगे। सो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ के इसका काम शुरू करके और इसमें एंट्री कर सकते हो। तो देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्रीज हुई है, क्योंकि ये सील्ड नहीं है ये कॉन्टेस्ट। सील्ड होने का मतलब जो अगर कोई कॉन्टेस्ट सील्ड है तो अदर फ्रीलांसर उस डिजाइंस को नहीं देख सकता है, यानी कि ये सील्ड नहीं है अभी तक, तो इसे कोई सा भी फ्रीलांसर दूसरे की एंट्री देख सकता है। तो अगर आपको अपनी डिजाइंस सील्ड करनी है, यानी कि आपको लगता है आपकी डिजाइंस यूनिक है और आपके ज़्यादा चांसेस हैं डिजाइंस को विन करने के लिए, तो आप अपनी खुद की 30 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी डिजाइन इसके जैसे मनोज कुमार बी के जैसे सील्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्लाइंट्स ने कई डिजाइनर्स की रेटिंग दी हुई है, कई डिजाइनर्स जो है अच्छा लगा है, तो क्लाइंट ने रेटिंग दी हुई है 4.5/4/4 और जिसकी डिजाइंस क्लाइंट्स को अच्छी नहीं लगी है उसने रिजेक्ट भी कर दिया है और रेटिंग भी नहीं दिया है। अगर इसकी डिजाइन अच्छी नहीं लगी तो वो रेटिंग भी नहीं देगा और ऐसा लगेगा कि रिजेक्टेड करना चाहिए तो वो एंट्री को रिजेक्ट भी कर देगा सीधे सीधे बिना किसी को जवाब दिए। तो जो अच्छा डिजाइंस है उसको रेटिंग देके वो टॉप पे जाएगा, जिसकी भी ज़्यादा रेटिंग है वो टॉप पे जाएगी और उसके चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के लिए। तो ये कंपटीशन टू कंपटीशन चलता रहता है और एंट्रीज जो है आती रहती हैं, एंट्रीज बढ़ती रहती हैं। सो आप इसमें लक बाई चांस आपकी एंट्रीज जो है विनिंग कर सकती है, अगर आपका डिजाइंस अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो आप इस प्राइज को जीत सकते हो। तो और भी कॉन्टेस्ट के बारे में जानने के लिए हम इसे बैक करते हैं और भी कॉन्टेस्ट को देखते हैं कौन कौन से कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो।
सो अदर कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अदर स्किल को सर्च कर सकते हो आप यहाँ पे सर्च बार में। सो अभी मैंने वेबसाइट डिजाइंस को सर्च किया था, तो वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड सारे कंटेस्ट आए थे। और यहाँ पे फिर मैं डालता हूँ मोबाइल ऐप डिजाइन, जिसकी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जिसकी ज़्यादा कॉन्टेस्ट हो सकते हैं और हाई प्राइस में हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मोबाइल ऐप डिजाइन डाल के सर्च किया और यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारी एंट्रीज देख रहे हो आ गई है, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टेस्ट। तो ये सबसे टॉप पे जो आ रही है मोबाइल एंड्रॉयड ई कॉमर्स ऐप, एक ऐप डिजाइन करनी है ई कॉमर्स ऐप के लिए। एंड्रॉयड ऐप जो है ई कॉमर्स है और इसकी प्राइस है 46,240 और इसमें एंट्रीज हो चुकी हैं, 4 एंट्री हो चुकी हैं और ये आज ही स्टार्ट हुआ है, जिसमें 6 दिन 15 आवर्स बाकी हैं एंट्री करने के लिए। सो इसमें काफ़ी सारा समय है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने के लिए इसकी डिटेल्स को पढ़ो, क्लिक करके हम इसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। और जैसा कि देख सकते हो ये गारंटेड है, यानी कि 100% आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी एक डिजाइनर्स को, जिसकी डिजाइन जो है विनिंग करेगी यानी कि जीतेगी। तो आपको सबमिट करने हैं जेपैक PNG स्टार्टिंग में, इनिशियल वे में आपको एंट्री सबमिट करनी है। तो वहाँ पे देख सकते हो 4 एंट्री हुई हैं और ये कॉन्टेस्ट जो है सील्ड नहीं है, यानी कि कोई अदर डिजाइनर्स आपकी एंट्री देख सकता है। अगर आप अपनी डिजाइन जो है सील्ड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 30 रुपीज़ जो है पे करना होगा फ्रीलांसर को। नहीं करते हो तो जो भी चलेगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी डिजाइन चारों से अच्छी है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी एंट्री को सील्ड करो, यानी कि दूसरों से छिपाओ। अगर आप खुद ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो प्लीज सील्ड, यानी कि मैं क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज सील्ड। यहाँ पे मैं हैशटैग सील्ड को क्लिक करता हूँ और मैं क्लाइंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज इस कॉन्टेस्ट को सील्ड करो। तो जैसे मैंने इसे कमेंट कर दिया सील्ड, तो वो क्लाइंट समझ जाएगा, अगर वो इसमें एक्सपीरियंस है इस कॉन्टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए तो वो समझ जाएगा कि बंदा क्या कह रहा है, सील्ड करने के लिए कह रहा है। तो वो अगर उसे लगेगा कि यार उसे करना चाहिए तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर हमें लगता है कि हमारे डिजाइंस इन चारों एंट्री से अच्छी हो सकती है तो हमें इसको 30 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट करनी होगी अपने डिजाइंस को छिपाने के लिए अदर डिजाइनर से। सो इसमें एंट्री कर सकते हो, $720 कमा सकते हो इसमें एंट्री करके। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पढ़ के अगर आपको और भी इससे रिलेटेड मोबाइल ऐप से रिलेटेड क्लाइंट से कुछ और भी रिक्वायरमेंट चाहिए तो आप इसे मैसेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ बॉटम में जाके कमेंट कर सकते हो जो भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी किसी ने क्वेश्चंस किए हैं तो वो रिप्लाई ज़रूर करेगा कुछ समय में। सो ऐसे ही बहुत सारे एंट्रीज हैं यहाँ पे, आप अपनी स्किल के हिसाब से सर्च करके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। लोगो डिजाइन सर्च करते हैं कि लोगो डिजाइन का कॉन्टेस्ट क्या क्या है। अगर किसी बंदे को लोगो डिजाइन करना आता है तो वो यहाँ से सर्च कर सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पे 642 रुपये का है डिजाइन या लोगो, जिसमें 87 एंट्रीज हो चुकी है। तो अगर आपको लगता है आप भी कर सकते हो तो अपनी किस्मत आजमाओ। लोगो डिजाइन करने में 5 से 10 मिनट या आधे घंटे लग सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी एक डिजाइन जो है विनिंग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से विनिंग किया है, वो तो क्लाइंट्स को इतनी सारी एंट्रीज मिली हैं और इस कॉन्टेस्ट को जीतता है एक बंदा यहाँ पे टॉप पे जो है। सो इसने ये डिजाइन जो है विनिंग राहुल। सो ये डिजाइनर जो है ये प्राइज को जीतता है इतनी सारी एंट्रीज में, ये डिजाइनर जो है जीत गया $10 और मात्र 5 डेज में। 5 डेज में यानी कि इसने एक दो एंट्री डाली होगी और इसकी डिजाइन क्लाइंट को पसंद आ गया तो उसने इसको प्राइज जो है हैंड ओवर कर दिया। सो अगर आपको पता नहीं कि इसमें डिजाइन एंट्री करने के बाद अगर आपका डिजाइन सेलेक्ट होता है
तो आपकी जो प्राइस जो है आपको सीधे सीधे आपकी बैंक अकाउंट में विड्रॉ हो जाएगी, या फिर आप पेपाल के थ्रू अपनी अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हो। तो वो सारी सेटिंग इसमें अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हो, विड्रॉ मनी, फ्री क्रेडिट कार्ड, या फिर सेलेक्ट पेमेंट मेथड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो पेपाल, पेटीएम भी आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे इंडिया का पेटीएम, और किस करेंसी में आप विड्रॉ करना चाहते हो वो सेट कर सकते हो यहाँ पे। सो भी बैग जाते हैं और भी इंट्रीज देखते हैं, और भी कॉन्टेस्ट किस किस टाइप के कॉन्टेस्ट हो सकते हैं। सो बेसिकली कोई सी भी स्किल्स हो आपके पास, अगर आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सिंपल सा अपना स्किल यहाँ पे सर्च करो, जैसे कि वर्डप्रेस ही सर्च करते हैं। तो वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग जितने भी कॉन्टेस्ट अभी चल रहे होंगे, तो देख लो यहाँ पे 15,670 रुपये की एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें आई नीड ए सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ माई बिजनेस द इंक्लूड ए ब्लॉग सेक्शन। तो इसको एक वर्डप्रेस डिजाइनर चाहिए, वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए जो इसको काम को करे, और ये एंट्री जो है 15,670 रुपये के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये कॉन्टेस्ट जो है सील्ड है, यानी कि दूसरे की एंट्री दूसरा फ्रीलांसर जो है नहीं देख सकता। दिखा दूँ किस तरीके का सील्ड एंट्री होता है, तो ये देख सकते हो सारी एंट्री जो है अभी सील्ड है, यानी कि कोई अदर डिजाइनर्स किसी अदर डिजाइनर्स की कॉपी नहीं कर सकता है, और कोई वह डिजाइन्स नहीं देख सकता है। तो यहाँ पे आपको 30 रुपीज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि क्लाइंट ने ही खुद सील्ड कर दिया है कि उसकी डिजाइन जो है किसी से कॉपी ना हो। सो इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई नीड ए सिंपल वर्डप्रेस वेबसाइट प्रेजेंटेशन ऑफ माई बिजनेस डैट इंक्लूड्स ए ब्लॉग सेक्शन। सो इसकी एक रिक्वायरमेंट है, इसकी एग्जिस्टिंग साइड ये लिंक दिया हुआ है। सो आपको इसके लिए डिजाइंस करके फर्स्ट पेज पहले डिजाइंस करो, फिर एंट्री करो। अगर क्लाइंट्स कहता है कि आपके डिजाइंस अच्छे हैं, आप इनर पेजेस भी बनाओ, तब बनाओ। फर्स्ट एंट्री करने के लिए आपको केवल वन पेज डिजाइन करनी होगी, जेपीईजी और पीएनजी आपको सीधे यहाँ पे अपलोड करनी होगी एंट्री में फर्स्ट टाइम। अगर आपकी एंट्री जो है विनिंग में आती है, विनर चूज करता है आपकी एंट्री को, तो आपको सोर्स फाइल भी लास्ट में अपलोड करनी होगी। फिर उसके बाद आपका जो विनिंग प्राइस है आपके अकाउंट में सीधे सीधे आ जाएगा, और उसके एक दिन बाद आप वहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। सो मैं कुछ दिखा दूँ जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किए थे कुछ समय पहले, और मैंने कुछ एंट्रीज जीती हुई है। सो मैं दिखा दूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज मैंने यहाँ पे करके जीता हुआ है। उसके लिए मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल पे, और मैं आता हूँ यहाँ पे क्लाइंट्स के रिव्यूज़ जो देख सकते हो, रिसेंट रिव्यू। मैंने एक मोबाइल ऐप डिजाइन किया हुआ $333 का, और ये कॉन्टेस्ट ही है। सो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ डिजाइन से वेबसाइट्स मॉकअप। मैंने एक मॉकअप डिजाइन किया था $200 में, जिसमें मेरी डिजाइन जो है विनिंग रही। तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कि कौन सी एंट्री थी ये, क्लाइंट्स की कुछ डिटेल्स थी, मैंने इसे पढ़ के इस एंट्री को सबमिट किया था। तो देख सकते हो ब्रिजेश के नाम से ये मेरा नाम है, और ये मैंने जो एंट्री सबमिट की है ये मेरी एंट्री जो है विनिंग विनिंग एंट्री है। तो देख सकते हो ये मैंने एंट्री की हुई है इस वेबसाइट्स मॉकअप के लिए, और यहाँ से मैंने $200 कमाए हैं। ऐसे ही मैंने और भी एंट्रीज की हुई है, और मैंने यहाँ से कुछ और डॉलर कमाए हैं, जैसे कि देख सकते हो नीचे रिस्पॉन्सी मोबाइल वेबसाइट्स मॉकअप। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन्सी मोबाइल वेबसाइट्स मॉकअप डिजाइन किए हुए हैं, और इसने क्लाइंट्स ने 5.0 की रेटिंग दी है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। थैंक्स यू वेरी मच। $250 मैंने यहाँ से कमाए हैं, 200 यहाँ कमाए हैं, और प्रीवियस पहले भी कमाए हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे $1,000 से ऊपर अब तक कमा चुका हूँ। 4 रिव्यूज़ हैं, रिव्यूज़। सो ओवरऑल इस वीडियो का तात्पर्य यही है कि अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी स्किल के मुताबिक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कम से कम समय में अच्छा से अच्छा डॉलर की इनकम कर सकते हो। सो सिंपली इसमें क्या करना है, आपको freelancer.com पे .in पे जाना है, और वहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आओ नया अकाउंट क्रिएट करना है,
और सीधा सीधा आप वर्क वाले टैब में आके ब्रोज कॉन्टेस्ट करके एक अपने स्किल के मुताबिक कॉन्टेस्ट को चूज करके उस कॉन्टेस्ट में एंट्री कर दो। धीरे धीरे देखो क्या होता है, कितने डॉलर कमाते हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आगे इस वीडियोस को लाइक करो, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, अगर इससे रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। थैंक यू।